हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आपके प्यार से मैंने इतने अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आ रही हूँ कि मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। आपके प्यार से बहुत खुश हूँ दोस्तों मैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास इतना सारा फ्रूट है, बहुत अच्छा फ्रूट है। ये देखिए, एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, गोवा है, जाम। ये देखिए, ये भी तो, ये देखिए दोस्तों, ये आइस गोवा है। ये भी तो बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्ट लगता है। ये सबसे अच्छी चीज मुझको इसमें ये पसंद आती है, ये देखिए, कुकुम्बर खीरा। इसका मैं फायदा बताऊंगी और इससे क्या क्या हम फायदा उठा सकते हैं और कुदरत ने हमको इसमें क्या क्या छुपाकर चीजें दी हुई हैं वो सब बताऊंगी दोस्तों। वन बाय वन मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहें। कुकुम्बर के जूस से हम पेट की फैट आराम से कम कर सकते हैं दोस्तों। वो ऐसे कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका देखना चाहिए आपको और ये जूस इसका लेने का सही वक्त भी देखना चाहिए। मैं अभी बताती हूँ वन बाय वन, ये देखते रहें। अभी अभी ये फ्रूट साइड में रख दूंगी, कुकुम्बर ले लूंगी दोस्तों। अभी मैं इसके पीसेस बनाकर जार में डालूंगी पीसने के लिए। ये देखिए, काट कर इसको ऐसे राउंड फिराते हैं इसको, इसके ऊपर से ऐसे। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे दूध जैसा आ रहा है ये। यानी कि ये एक ऐसा भी कहते हैं ये कि ये बेस्ट ऑफ लक है कि इसको ये पीस भी निकाल कर एक पतली सी फेंक देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा कड़वापन होता है। अभी हम इसके पीसेस बना लेंगे, रफली चॉप्ड कर लें क्योंकि ये जार में डालकर पीसना ही है। कभी कभार कुकुम्बर थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, इसीलिए थोड़ा चक्कर देख लें। मैं अभी देखूंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम रफली चॉप पीसेस बना लेंगे। इसकी स्किन ना काटें दोस्तों, इसकी स्किन काटने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत ही फायदे की चीज है, इसीलिए मैं ऐसे ही पीसेस बनाकर डालूंगी। तो खीरे के लिए एक छोटी सी पीस काटती हूँ गार्निश के लिए। बस इसके अंदर अब हम डालेंगे एक आधा गिलास पानी। ये देखिए, आधा गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। इसमें नमक सॉल्ट कुछ नहीं डालना है दोस्तों, बस ऐसे ही पीस लें। इसके बाद इसका एक मैजिक बताऊंगी। देखिए, हम ऐसे छन्नी रख लें एक बर्तन के अंदर। अभी मैं डालूंगी ये पूरा जो पीस कर हम रखे हैं जूस, वही डाल रही हूँ कुकुम्बर। अभी हम क्या करेंगे, इस खीरे को ऐसे करके इसको प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे पूरा जूस निकल आ जाएगा। ये देखिए, आराम से निकल रहा है। अभी मैं क्या करूंगी, इस गिलास के अंदर अभी मेरा सीक्रेट जो मसाला है, कुकुम्बर मसाला, वो बताऊंगी। ये देखिए, कोई इसको बनाने के लिए मेहनत नहीं होगी। ये है पानीपुरी मसाला, जो बाहर आपको आराम से रेडीमेड मिल जाएगा पानीपुरी मसाला। और ये है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर जो जीरा भूनकर, ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन होते ही क्या करना है आपको, इसको ठंडा करके जार में पीस कर रख लेना है। ये देखिए जीरा पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर डालूंगी मैं खाली गिलास में। अभी अभी इसके अंदर डालूंगी मैं एक आधा स्पून, छोटा सा आधा हमारा टी स्पून है, वही टीस्पून से हम डालेंगे इसमें पानीपुरी मसाला। अभी इसके अंदर पानीपुरी मसाले में जो है वो सॉल्ट होता है, इसीलिए मैं सॉल्ट नहीं डालती। सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना चाहिए और कुकुम्बर के लिए तो बिल्कुल नहीं है, नहीं खाना है। अभी मैं डालूंगी इसके अंदर जूस जो हमारा बनाकर रखे हुए है, वही मैं कुकुम्बर की पीस लगा रही हूँ। और अभी ऊपर से थोड़ा सा ये पानीपुरी मसाला डालूंगी और कुकुम्बर के ऊपर भी डालूंगी। प्रेजेंट करने का तरीका बता रही हूँ मैं। अभी ये नीचे जो हम कुकुम्बर रखे हैं उसी के ऊपर भी डालूंगी थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा जीरा मसाला, जीरा पाउडर जो बना के रखे वही। अभी मैं नमक थोड़ा सा भी नहीं डाली हुई हूँ दोस्तों। इस जूस को लेने का सही वक्त है सुबह के 11 से दोपहर के 4 बजे तक, बिल्कुल सही वक्त है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो अपनी एक ताकत होती है वो ठंडी होती है। खीरे का मिजाज जो है वो ठंडा होता है, इसीलिए धूप का वक्त, सूरज हम जैसे चलते हैं यानी कि सूरज और चांद को लेकर ही हम चलते हैं, वैसे ही बिल्कुल ये सूरज जब भी ज्यादा होता है तभी आप लें।
बहुत फायदा होगा सुबह के 11 से दोपहर के 4 बजे तक, या उसके बाद में 5 या 6 बजे आप अप्रैल मई में ले सकते हैं, क्योंकि धूप बहुत होती है। सही वक्त में जो बताइए वही फॉलो करें। विटामिन ए भरपूर होता है और B1, B6, विटामिन सी तो भरपूर होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है ये सेहत के लिए। पेट की प्रॉब्लम जिसको है वो पी लें ये बनाकर, तो पेट की गर्मी गर्माहट जो भी है वो चले जाएगी और ठंडक आराम से बढ़ेगी आपकी। ठंडक बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों ये जूस। और देखिए मैं इतना सारा आपको फ्रूट क्यों बताइए बोले तो, इसमें जो है वो 90% पानी तो बिल्कुल नहीं है इतने सारे फ्रूट में। हाजिमे का तो भी है, लेकिन ये गोवा बहुत अच्छा है हाजिमे के लिए, शुगर के लिए। पोमेग्रेनेट तो आपको मालूम है कि कितनी अच्छी चीज़ है वो। और ये चेरी जो है और ये ब्लूबेरी जो है, वो पूरा जो भी है फ्रूट, ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। सब में अच्छी बात ये है डाइजेशन के लिए, इसमें से कौन सी भी इतनी अच्छी चीज नहीं है। जैसे ये है हमारी कुकुम्बर कंकड़ी जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है सेहत के लिए, इसीलिए मैंने कुकुम्बर का जूस बताई आपको। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। शेयर करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सेहत की बात है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हर किसी की सेहत अच्छी रहना हमको पसंद है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये शेयर जरूर से कर लें दोस्तों। ओके, स्टे फिट स्टे हेल्थी, हमेशा खुश रहे, मुमताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं दोस्तों।